अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 26 से अधिक जिलों में 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन और कोसी सहित कई नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। देखिए, इधर गंडक है, खगड़िया में बागमती है और कोसी है, ये नदियां अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जो जल स्तर थोड़ा कम होने की डाउन स्ट्रीम में वजह यह है कि गंडक, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज थोड़ा कम हुआ है, 1 लाख से नीचे गया है, तब अभी ये असर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा। और फिर गोपालगंज में कई जगहों पर सड़कों पर पानी आ गया है, कुछ और ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम स्थिति देखें तो स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं है, बल्कि ज्यों की त्यों बनी हुई है। और पूर्वी चंपारण में जो काफ़ी, ये पाँचवीं बार ऐसा है कि जब बाढ़ की स्थिति आई है, और इसके अलावा चंपारण है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में भी स्थिति खराब बनी हुई है। पूर्णिया से मधेपुरा जाने वाली सड़क पर पानी आ जाने से यातायात बाधित हुआ है, और वैशाली जिले के लालगंज इलाके में गंडक नदी का एक तटबंध टूट जाने की वजह से लालगंज का जो शहरी इलाका है, टाउन एरिया है, उसमें पानी तेजी से फैला है। और इससे ही सटा एक हाईवे है जिस पर लगभग 1 फीट पानी भर गया है, और इससे दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि तटबंध की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। और अगर हम रेल यातायात की बात करें तो समस्तीपुर और दरभंगा के बीच आज 6ठे दिन भी रेल यातायात बाधित है। रेलों को, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उनको परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, कुछ ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है। देखिए, कुछ तो PHC सेंटर्स हैं बाढ़ के निकट इलाकों में, जहां से मतलब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सांप काटने की का जो सीरम होता है या डॉग बाइट का सीरम होता है, वो उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार का ये कहना है कि सभी जरूरी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, उपकरण और दवाएं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद हैं।